Welcome to our advanced tutorial. Today I will teach you how to create tags. तो सबसे पहले बता दूँ आपको कि tags होते क्या हैं. तो ये मेरा एक प्लान बना हुआ है जो कि मैंने AutoCAD में बनाया हुआ था. तो अगर आपने भी AutoCAD में या फिर Revit में भी आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर आपको रूम की साइज़ लिखनी पड़ती है. सपोज़ ये मेरा रूम है जो 18 बाई 15 फिट 8 इंच का है. तो ये आपको डिस्टेंस मेज़र करके यहाँ पर टाइप करनी होती है. लेकिन अगर आप यही चीज़ रिविट के साथ प्लानिंग कर रहे हैं तो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सॉल्यूशन बताऊँगा. तो उसके लिए हम बना लेते हैं एक फ्लोर प्लान, जो कि रफली मैं ऐसे ही बना लेता हूँ. तो उसके लिए सबसे पहले मुझे सेट करनी पड़ेगी यूनिट. तो जस्ट सिंपली प्रेस UN एंड यूनिट मुझे काय में करनी है, फिट एंड इंच एंड नीरेस्ट टू 1 इंच. देन प्रेस ओके एंड देन ओके. मैं सिंपली वॉल लेता हूँ एंड ये एक फ्लोर प्लान क्रिएट कर लेता हूँ जो कि मैं रफली क्रिएट कर रहा हूँ. और यहाँ से सपोज़ मेरी कुछ एक रूम ऐसा होगा या एक रूम इस टाइप से होगा और एक रूम मेरा ऐसा होगा. ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा रूम क्रिएट. अब मुझे यहाँ की लेंथ विड्थ देना है. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, रूम पर जाऊँगा जो कि आपको मिलेगा आर्किटेक्चर वाली टैब में. आपको सिंपली क्लिक करना है रूम पर और यहाँ पर क्लिक करेंगे आप तो देखिए यहाँ पर आ रहा है रूम और यहाँ पर 1 लिखा रहा है. तो एक ऑप्शन ये है जो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर जाकर इस 1 को एडिट करना है और लेंथ विड्थ यहाँ पर टाइप करना है. तो ये तो हो गई हमारी पुरानी प्रोसेस. अब हम क्या करते हैं कि अगर ऐसा कुछ जादू हो जाए कि मैं सिंपली रूम पर क्लिक करूं और यहाँ क्लिक करूं तो लेंथ विड्थ ऑटोमेटिक लिखी हुई आ जाए, तो चलिए उस जादू को हम करते हैं क्रिएट. तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक करना है और जाना है आपको एडिट फैमिली में. ओके, तो ये हमारी फैमिली हो रही है लोड और ये हो गई लोड. इसको करना है आपको 101 को डिलीट, इसको भी आपको करना है डिलीट, इसको भी करना है डिलीट. और जो आपका रूम नेम है इसको करना है, सबसे पहले इस फैमिली को कर लीजिए UN दबा के इसकी यूनिट सेट. तो इसकी यूनिट कर देते फिट एंड इंच, फिट एंड फ्रिक्शनल इंचेस एंड 1 इंच. देन ओके ओके. अब रूम नेम पर आपको करना है क्लिक और इसको करना है एडिट लेवल. एडिट लेवल में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको FX करके एक ऑप्शन मिलेगा. यहाँ पर लिखा एड कैलकुलेटेड पैरामीटर टू लेवल, तो इस पर आपको करना है क्लिक. एंड यहाँ पर आप जो भी देना चाहें वो आप ले सकते हैं. तो सिंपली विड्थ WIDTH एंड यहाँ पर टाइप में क्या है, ये लेंथ है मेरी, विड्थ भी एक टाइप से लेंथ का ही एक तरीका है. और यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखना है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हैं. और मैं भी यहाँ पर अभी ओपन करता हूँ मेरा फॉर्मूला. तो ये है मेरा फॉर्मूला जिसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट. ओके, देन क्लिक हियर ओके. तो ये हमारी विड्थ यहाँ पर आ गई है. अब वापस हम इफेक्ट्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं डेप्थ. ओके, और डेप्थ भी हमारी क्या रहेगी, लेंथ. और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, अब अगर मेरे पास एरिया है और एरिया को मैं कर देता हूँ डिवाइड किससे, हमारी विड्थ से. और अगर आपने यहाँ पर विड्थ नाम दिया है तो ही ये यहाँ पर विड्थ आएगा. ओके, जो आप यहाँ नाम दे रहे हैं वही आपको यहाँ पर नज़र आएगा. तो एरिया को अगर विड्थ से डिवाइड कर दूँ तो मेरी डेप्थ ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि ये सिंपली एक फॉर्मूला है मैथ्स का. अगर उस फॉर्मूले को भी आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से आया है. ओके, अब मैं इसको करता हूँ अप्लाई एंड ओके. ये मेरा यहाँ पर टैग क्रिएट हो चुका है लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है ना. तो इसको हम फिर से एडिट लेवल कर देते हैं और इसको कर देते हैं हम ब्रेक, क्योंकि रूम नेम के बाद हमारे पास नीचे आना चाहिए. और विड्थ एंड डेप्थ में हमको लगाना है सफिक्स में कैपिटल X और प्रीफिक्स में हमको ब्रैकेट लगाना है और सफिक्स में ब्रैकेट क्लोज करना है. ओके, देन अप्लाई ओके. वैसा ही आ गया जैसा हम चाह रहे थे. अब इसको आप कर लीजिए सेव, अगर आप करना चाहें तो सेव एज फैमिली. और आप जहां पर भी डेस्कटॉप पर करना चाहें तो डेस्कटॉप पर कर दीजिए, और अगर आप कहीं और करना चाहें
तो कहीं और कर लीजिए, मैं इसको नाम दे देता हूँ शैलेंद्र माय फैमिली। ओके, आप अपना नाम भी दे सकते हैं या समथिंग कुछ डिफरेंट जो भी आप देना चाहें। तो ये हो गई मेरी फैमिली सेव। अब इसको क्या करना है मुझे, लोड इनटू प्रोजेक्ट। ओके, तो ये मेरी फैमिली हो गई लोड हमारे प्रोजेक्ट में। अब आपको क्या करना है, इस पुराने वाले को कर दीजिए डिलीट। ओके, अब आर्किटेक्चर रूम टैग। ओके, ये हमारी फैमिली आ गई है, इसको आप सिंपली क्लिक करते जाइए और यहाँ पर पेस्ट करते जाइए। अब यहाँ पर एक ये ऑप्शन आ रहा है कि बॉक्स साथ में आ रहा है, तो इस बॉक्स को हटाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक करेंगे, एडिट टाइप में जाएंगे और यहाँ से ये चेक को नन कर देंगे। ओके, तो ये सारे बॉक्स हट चुके हैं। अब आपको सिर्फ आपका रूम नेम लिखना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, अब आप इसकी विड्थ एक बार चेक भी कर सकते हैं कि कुछ गलत तो नहीं आई है। मैं यहाँ से कर देता हूँ वॉल फेसेस। अब मुझे इनर टू इनर वॉल देख की विड्थ देखना है, 19 फीट 4 इंच 19 फीट 4 इंच। ओके, और इधर आ रही है 31 फीट 4 इंच 31 फीट 4 इंच। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।